अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नहीं करता आप सबका जैसे होंगे। अच्छा आज की वीडियो हम लोग क्या करने लगे हैं, आपको याद होगा मेरे मास्टर केस के अंदर तीन टर्टल्स होते थे। अच्छा उनमें दो तो वो ब्राउन ब्राउन से थे और एक ग्रीन से कलर का था। तो वो ग्रीन वाला जो है मुझे एक दो लोगों ने बोला था कि ये इंडियन टर्टल कहलाता है और आप इसको आज़ाद करते हैं और ये पलता नहीं है। अच्छा खैर मैंने उनकी जो जगह बनी हुई थी वो खोल दी थी, बट उनके लिए मैंने स्विमिंग वगैरह के लिए जगह बनाई हुई थी। जब मैंने खोला ना, वो जो इंडियन टर्टल था वो हर वक्त गमलों के पीछे घुसा रहता था, वो बाहर ही नहीं आता था। बाकी जो दो टर्टल्स थे वो हमारे बाहर आते थे और मैंने काफ़ी लोगों के पास देखे भी हैं ये वाइल्ड टर्टल्स पले हुए, मगर वो जो अलग था ना वो थोड़ा उसको तंग भी करते थे, वो उनसे डरता भी था और फिर बाहर भी नहीं आता था, सही से खा पी भी नहीं पाता था, उसको अलग से निकाल के बंद करना पड़ता था पानी में, फिर उसको अलग से खिलाओ। ये जो मेरे जो दो थे इनका तो मसला नहीं है, इनको मैं खाना देता था, ये आके खा लेते थे। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे घर के करीब एक हिल पार्क है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा सा पॉन्ड है और उसके अंदर जो है छोटी मछलियाँ भी होती हैं, और वहाँ पे मैंने इस टाइप के टर्टल्स ना और भी देखे हैं जो हमारे इंडियन टर्टल है, और वहाँ बत्तखें वगैरह भी हैं और वहाँ पे थोड़ा मतलब काई वगैरह भी होती है और लोग वहाँ पे चीज़ें भी डालते हैं। तो इसको मैं वहाँ छोड़ देता हूँ वहाँ पे, इसकी तरह के मैंने जो है कल जो है दो तीन टर्टल्स और भी देखे थे। तो मैं सोच रहा हूँ आज इसको लेके जाता हूँ वहाँ पे और वहाँ पे हम इसको रिलीज़ कर देते हैं ताकि इसकी एक नेचुरल हैबिटेट में ये रहे, वहाँ पे आराम से सर्वाइव करे, क्योंकि वो इसकी एक नेचुरल हैबिटेट है वहाँ पे ऑलरेडी, इसके जैसे और भी टर्टल्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। केज के अंदर से ना उस वाइल्ड टर्टल को निकाल लिया और वो मैंने देखे यहाँ पे लाके जो है अभी इस टब के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको छोड़ दिया और यहाँ पे घूम रहा है। थोड़ा पानी भी गंदा हुआ, अच्छा गंदा हुआ हुआ था तो मैंने इसमें पानी डालना, इसके ऊपर कचरा वगैरह उतर गया। और ये हमारा टर्टल है तो आज हम इसको जो है रिलीज़ कर देंगे इसकी नेचुरल हैबिटेट में। तो उसको लेके जाते हैं, फिर मैं वहाँ जाके कंटिन्यू करता हूँ। तो आप यहाँ पे देखें ये कितना बड़ा जो है पॉन्ड है और इसके अंदर जो है काफ़ी सारी डक्स हैं, वो आप सामने देख रहे होंगे बहुत सारी डक्स हैं। और ये वहाँ पीछे की साइड भी है अभी, तो काफ़ी बड़ा पॉन्ड है और यहाँ पे अंदर देखें थोड़ा कचरा वगैरह भी है। तो ये तो कछुए तो यही चीज़ें खाते हैं, बाकी यहाँ पे लोग जो है डालते रहते हैं। आप यहाँ पे देखें जैसे अब यहाँ पे ये कुछ येलो कलर आपको दिख रहा होगा, चिप्स वगैरह पड़े हुए हैं, तो ये इसके लिए बेस्ट जगह। और यहाँ पे मैंने और भी देखे हैं इस तरह के टर्टल्स ना, और वहाँ पे पीछे लैंड भी है, बाकी वहाँ हरियाली भी है, आप देखेंगे सामने ये पूरा इनका बड़ा केज है और पॉन्ड वहाँ पीछे तक है और ना, और काफ़ी सारी इसके अंदर डक्स हैं। ये देखें एक पेयर ये घूम रहा है, बड़ी वाली भी है छोटी भी हैं, सारी तरह की डक्स हैं। तो इसको जो है हम यहाँ पर रिलीज़ करेंगे। अच्छा मैंने इसको ना शॉपर के अंदर डाल दिया था ताकि जो है इसको हवा वगैरह ना लगे, तो अभी हम जो है फिर इसको यहाँ पर रिलीज़ करते हैं। अच्छा ये देखें एक हमारे पास आ गया डक्स का पेयर माशाल्लाह से, ये देखें कितने खूबसूरत हैं। और पीछे भी देखें कितनी सारी हैं वहाँ पे, अभी तो थोड़ा मगरिब का टाइम हो रहा है इसलिए जो है ये वहाँ साहिल पे चली गई। और ये देखें ये यहाँ पे बिल्कुल नीचे आ गई हैं, ये देखें माशाल्लाह। तो ये भी हिल रहा है, इसको मैं यहाँ पर रिलीज़ करता हूँ। तो यहाँ पे है, मैं भी इसको निकाल लेता हूँ, अपने हम टर्टल को इसके अंदर से निकाल लेते हैं और फिर इसके बाद जो हम इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। ये हमारा टर्टल आ गया और मुझे यहाँ पे अंदर जाना पड़ेगा थोड़ा सा ताकि मैं इसको यहाँ पे छोड़ दूँ आराम से। ये मैंने छोड़ दिया, अच्छा जगह काफ़ी नीचे और जा रहे हैं, ये देखें इसको थोड़ा मैं पानी के अंदर कर देता हूँ। ये देखें ये चला गया, ये देखें स्विमिंग करके अपना अंदर चला गया, ये आ गया बाहर। ये देखें काफ़ी यहाँ पे खुश हो गया, हमारे घर पे तो इसको सही जगह नहीं मिल रही थी, यहाँ पे इसके लिए सही है, गया अंदर और ये अब चला जाएगा यहाँ पे आगे रहेगा। वो देखें कितना आगे तक पहुँच गया, ये इस जगह पे अभी मैंने इसको लास्ट टाइम देखा था, अभी आएगा बाहर आएगा सांस लेने के लिए ना, तो देखते हैं किधर है, पता नहीं किधर है। अच्छा ये थोड़ी आपको बबल्स बबल्स भी यहाँ दिख रहे होंगे, ये मछलियाँ वगैरह हैं ना उनके, वो शायद सामने हैं उधर, खैर वो चला जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आई होगी, इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।